बजाज, वेलकमिंग टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और आज जो मैं चैप्टर शुरू करने वाली हूँ आपके लिए, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री। कहीं ना कहीं आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाली क्लासेस में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो 10th में, 11th में, तो उसके लिए ये एक बेस की तरह मान के चलेंगे, लास्ट तक फॉलो करेंगे, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। थर्ड चैप्टर में जो एरियाज रह गए थे, जहां कुछ कुछ गैप्स थे, वो गैप्स फिल करेगा ये चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आइए करते हैं शुरू। हमने ये पढ़ा था चैप्टर 3 में, जॉन डाल्टन की थी हमने एटॉमिक थियरी, और उन्होंने बोला था एटम्स होते हैं इनडिविजिबल। इनडिविजिबल से मतलब क्या होता है, उन्होंने बोला एटम्स इनडिविजिबल है, आप उसको फर्दर और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो एटम्स आर इनडिविजिबल। इसका मतलब दे कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। लेकिन उसके ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बाद और साइंटिस्ट ने की बहुत सारी रिसर्च, और ये पता चला अरे एटम्स के अंदर भी 3 और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसकी जो ये पोस्टुलेट था, जॉन डाल्टन का जो ये पोस्टुलेट था विच वॉज एटम्स आर इनडिविजिबल, वो हो गया डिसप्रूव, वो हो गया गलत प्रूव। तो अगर अब वो गलत प्रूव हो गया तो आइए देखते हैं कैसे हुआ ये गलत प्रूव, क्या क्या नई चीजें आई। हमने बोला सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, उनका नाम था इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स काफी टाइम बाद डिस्कवर हुए थे, काफी टाइम बाद पता चला न्यूट्रॉन्स के बारे में, सबसे पहले पता लगा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और वही ये एटम्स आर इनडिविजिबल की थियरी हो गई गलत प्रूफ। तो मैंने आपको बोला 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए उनको छोटे से ई और ऊपर एक माइनस साइन के साथ उसको आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, छोटा सा पी, स्मॉल केस पी, और ऊपर एक प्लस के साइन के साथ आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दे कैरी नो चार्ज ऑन देम, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो काफी नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए अगर मुझे एक एटम का एटॉमिक मास निकालना है वो मैं निकालती हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, एंड इसीलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, क्योंकि वो पहली बात तो न्यूक्लियस के अंदर है और वही जो है डिटरमाइन करते हैं एक एटम का एटॉमिक मास। आइए इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इन तीनों की डिस्कवरी किसने की, किस ईयर में हुई, कैसे हुई, उनका मास, उनका चार्ज, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किए हैं प्रपोज, आइए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, छोटा सा टेबल आपके लिए हमने बना रखा है ताकि जब आप इसको नोट डाउन करेंगे एंड आगे एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा ये आपके लिए सिस्टमैटिक और सिंपल, इधर उधर चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारे साइंटिस्ट जे जे थॉम्सन जी, एंड जे जे थॉम्सन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया है, एंड प्रोटॉन का इनफैक्ट देखो प्रोटॉन के बारे में उससे पहले से चर्चा चल रही थी इनफैक्ट, लेकिन एग्जैक्टली जो ईयर माना जाता है वो माना जाता है 1886, और ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने दिया ये कॉन्सेप्ट। कई लोग 1900 के आसपास कहते हैं, कई लोग 1886 के आसपास कहते हैं, बट मेजर कॉन्सेप्ट 1886 में दे दिया गया था, एंड न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया काफी बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने। क्या नाम है साइंटिस्ट का? जेम्स चैडविक। एंड ये 3 नाम आपको याद होने बहुत ही जरूरी है ईयर्स के साथ।
आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उसका चार्ज क्या हुआ? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। और मैग्नीट्यूड दैट इज नंबर क्या है चार्ज का? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। आप बोलेंगे ये सी क्या है? तो बच्चे ये जो सी है वो होता है कूलम, 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 सी ओ यू एल ओ एम बी। कूलम क्या होता है? कूलम चार्ज का SI यूनिट होता है, जैसे कि किलोग्राम ग्राम होता है मास का, मीटर होता है डिस्टेंस का, तो वैसे ही चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए उनका जो चार्ज है वो माइनस में है, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसका जो चार्ज होगा वो प्लस से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जितना ही होता है। याद रखेंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम है मैग्नीट्यूड में, जस्ट ऑपोजिट इन साइन। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और अब बात करेंगे अगर न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स बेटा नो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल है, बिल्कुल ही न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो पॉजिटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बात करेंगे अगर इनके मास के बारे में। मैंने आपको अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही नेग्लिजिबल है, काफी कम है, तो 9 × 10⁻³¹ ग्राम है हमारा मास इलेक्ट्रॉन का। और अगर मैं बात करूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग मेरा जो मास है वो बिल्कुल सेम है, विच इज 1.6 × 10⁻²⁷ ग्राम। 1.6 × 10⁻²⁷ ग्राम लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। एंड सिंस इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो अगर मुझे एटम के मास के बारे में बात करनी है तो मैं यूज करती हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, फिर उनसे मैं डिटरमाइन करती हूँ एटम का मास। आगे जाके बताऊंगी इसका क्या मतलब है, जब धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे चैप्टर में तब समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कई बार स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझ नहीं आता, बट एज वी प्रोग्रेस इन द चैप्टर योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियरर। अब हमें ये तो पता लग गया ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे एटम के, एटम्स ऑफ नो मोर इनडिविजिबल। ये पोस्टुलेट हो गया मिस्टर जॉन डाल्टन का, गलत, डिसप्रूव हो गया। उसके अगेंस्ट काफी थियरीज आ चुकी है, साइंटिस्ट लगे पड़े हैं सब चीजें इन्वेंट कर, सब चीजें डिस्कवर करने में, रादर नॉट इन्वेंट। तो बेसिकली अगर मैं बात कर रही हूँ अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, तो उसकी डिस्कवरी हुई कैसे, क्यूरियोसिटी जगेगी थोड़ी सी। बहुत डिटेल में डायग्राम के साथ मैं अभी नहीं करवा रही, इनफैक्ट क्लास 11th के स्टार्टिंग में आपको ये चीजें कराई जाती हैं, बट बुक में काफी डिटेल में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, तो मैं उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ ताकि आप समझ पाए। सो बेसिकली मिस्टर जे.जे. थॉम्सन जी ने क्या किया, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। क्या ले ली? एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, उसमें डाली गैस, उसमें डाली गैस और इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे अंडर लो प्रेशर कंडीशंस पास किया गैस से। कहां पे? इन डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने क्या बोला? मैंने बोला थॉम्सन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की, वोल्टेज हाई करके और गैस के थ्रू पास की। कंडीशन कैसी थी? काफी लो प्रेशर कंडीशंस थी एक डिस्चार्ज ट्यूब में। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा जब उन्होंने ऐसा किया तो एक, देखो दो साइड्स होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। हमें पता है एक होता है कैथोड, कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, हमने 8th क्लास में किया था, और एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये देखा कैथोड की साइड से स्ट्रीम निकल रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की, माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स की स्ट्रीम निकल रही थी। क्या निकल रहा था? कि स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय कैथोड, विच इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब देखा गया उन स्ट्रीम्स में क्या
क्या है, वो माइन्यूट पार्टिकल्स क्या है, जब स्टडी किया गया तो पता लगा कि ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स थे वो तो जी थे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। एंड सिंस वो जो रेस थी वो कैथोड की साइड से निकली थी, विच इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इसीलिए उसको कैथोड रेस का नाम दिया गया। तो थॉमसन ने बोला ये कैथोड रेस है जो कैथोड की साइड से निकल रही है, और इन कैथोड रेस को अगर आप देखोगे तो दे आर कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या हुआ, बेसिकली अगर प्रोटॉन्स की बात करूं तो बिल्कुल सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट किया मिस्टर गोल्डस्टीन ने भी, ई गोल्डस्टीन ने भी, जस्ट दैट उन्होंने जो कैथोड लिया वो परफोरेटेड था, वो परफोरेटेड कैथोड था, उसमें छेद थे, तो कैथोड से तो रे निकली कैथोड रे, बट कैथोड के ऑपोजिट साइड एनोड साइड पे ये देखा कि यार एक शाइनी सा ग्लो आ रहा है, क्योंकि परफोरेटेड थी, तो प्रोटॉन्स एक तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली दूसरी तरफ आना शुरू हो गया, एनोड साइड आना शुरू हो गया, कैथोड वाली साइड तो इलेक्ट्रॉन्स की रे थी ही, लेकिन सिंस छेद थे परफोरेटेड रहा, तो दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ भी शाइनिंग दिखी। तो गोल्डस्टीन ने बोला ठीक है वो तो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कैथोड साइड से निकल रहे हैं, पर ये एनोड साइड पे क्या आ गया यार, मतलब इन्होंने जो ऊपर जो थॉमसन ने लिया था उसमें कैथोड में छेद नहीं थे, परफोरेटेड नहीं था, तो एक ही तरफ रिएक्शन दिखा, एक ही तरफ जो दिखना था वो दिखा, पर जब छेद थे तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ दिखा, तो यार एनोड साइड से कुछ निकल रहा है, शाइन एक ग्लो सा आ रहा है। अब ये शाइन आ रहा है तो क्या कारण हो सकता है उस शाइन के आने का, तो भाई शाइन इसलिए आ रही थी एनोड साइड से जो निकल रहा था, जिसे मिस्टर गोल्डस्टीन ने नाम दिया कैमल रेज या एनोड रेज, बिकॉज एनोड साइड से निकल रही है पॉजिटिव साइड से, तो एनोड रेज नाम दे दिया, क्योंकि पॉजिटिव साइड से निकल रही है, एनोड से निकल रही है, विच इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो या तो उन्होंने बोला या तो आप उसको कैनाल रेज बोल दो या उनको बोल दो एनोड रेज। और जब उसको स्टडी किया आगे जाके तो उसमें थे पॉजिटिव पार्टिकल्स, वो क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और यहां से आए हमारे प्रोटॉन्स। बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब में ही गैस ली है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया हाई वोल्टेज पे, लो प्रेशर कंडीशंस पे, बस चेंज ये था कि परफोरेटेड कैथोड था तो कैथोड पे तो रिएक्शन दिखा, एनोड पे भी एक शाइन एक ग्लो दिखा, जिस वजह से वो जब उन्होंने स्टडी किया एनोड रेज बोला उसको कैनाल रेज बोला, बिकॉज एनोड साइड से निकल रही थी, तब पता लगा वो थे हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसे कहा जाता है प्रोटॉन्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और डिटेल में जाएंगे वर्ड डायग्राम 11th क्लास में, अगर आप साइंस लेते हैं 11th में, और अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए वुड डायग्राम एक वीडियो बनाई जाएगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे मैं आपको लेके चलती हूँ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सब डिस्कवर हो गए। अब आप बोलेंगे न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, तो जेम्स शैडविक ने बड़ी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व की हमारी। उन्होंने बोला कि एक गैप अभी भी है कि अगर मैं बोल रही हूं कि 6 प्रोटॉन्स है कार्बन में एंड 12 atomic mass unit है कार्बन का एटॉमिक मास, तो ये, और मैंने बोला कि प्रोटॉन ही अकेले सिर्फ मास नहीं बनाते एक एटम का, तो बीच में ऐसा क्या है जो मुझे ऐड करना चाहिए, तो उन्होंने बोला बीच में न्यूट्रॉन्स है जो मुझे ऐड करने चाहिए, 6 ही न्यूट्रॉन्स होंगे जो मुझे ऐड करने चाहिए, और 6 न्यूट्रॉन्स ऐड करने के बाद बन गया मेरा 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स बन गया मेरा 12U, व्हिच इज द मास ऑफ कार्बन। तो बेसिकली बीच में जो एक प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व कर दी हमारी जेम्स शैडविक ने। इसे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने अभी बोला एक वेक सी स्टेटमेंट बोली है जो मैंने, कौन सा गैप सॉल्व किया करवाऊंगी आगे जाके, जब मैं आपको मास एटॉमिक नंबर ये सब समझाऊंगी। आगे चलते हैं, अब हमारे पास सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, तो भाई ये अरेंज कैसे किए जाए, एक एटम में होते कहाँ पे हैं ये, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए मॉडल। सबसे पहला दिया थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ही वॉज वेरी एक्टिव साइंटिस्ट, कुछ ना कुछ डिस्कवर कुछ ना कुछ देते रहते थे। सो
बेसिकली 1903 में दिया उन्होंने ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, और उन्होंने ये कहा कि जैसे कि हम देखते हैं ना तरबूज होता है या क्रिसमस की पुडिंग होती है, तो क्रिसमस पुडिंग मान के चलो हमारा एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसके बीच में जो जैसे किशमिश लगी हुई है लेट्स से, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। तो या तो ये मान के चलो एक तरबूज है, जो रेड पार्ट है सारा का सारा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और जो बीच में ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं उसके, ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं उसके, वो है हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बोला उन्होंने अपने मॉडल में, ये बोला कि एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके बीच में जगह जगह है इलेक्ट्रॉन्स। एज यू कैन सी दिस डायग्राम, ये रहा मेरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बीच बीच में है इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। एक बात तो ये कही, एक बात उन्होंने ये कही कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है वो आपस में बराबर है, इक्वल है। एज अ रिजल्ट मेरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेट्स से मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 होता है, क्या होता है -1 होता है। एक प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है +1 होता है। तो अगर मैं एक एटम पे बोल रही हूँ और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ +1 और -1 करूं तो जीरो हो जाता है, न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया ना एटम, क्योंकि बस मैग्नीट्यूड सेम है, साइन ऑपोजिट हो गए, जैसे +5 -5 0, +4 -4 0 हो गया। तो वैसे आपने बोला कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, सो एटम एज अ रिजल्ट बन गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन ने जो ये मॉडल दिया वो काफी स्टार्टिंग के लिए अच्छा था, लेकिन काफी ड्रॉबैक्स थे, काफी और साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे, काफी चीजें उन्होंने बताई। सो ये जो थॉमसन का मॉडल था वो उनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं आपको एक रदरफोर्ड का मॉडल समझाऊंगी आगे, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में काफी कुछ कहा, तो अगर मैं थॉमसन के मॉडल से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वैलिड ही नहीं लग रहा था, बिकॉज थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग मच। प्लस थॉमसन जो था ही एक्चुअली फेल टू एक्सप्लेन कि कैसे एक पॉजिटिव स्फीयर में, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में कैसे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पा रहा है वो, कि कैसे हमारा जो एटम है वो स्टेबिलिटी आई कैसे है उसमें। काफी ड्रॉबैक्स थे थॉमसन के मॉडल में जो अब बाकी साइंटिस्ट ने ओवरकम किए। सो बेसिकली थॉमसन्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट लाइक रदरफोर्ड, जो हम आगे जाके मॉडल अभी पढ़ने वाले हैं। अब हम चलते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया, ये रदरफोर्ड ने क्या अपना एक्सपेरिमेंट पुट फॉरवर्ड किया। याद रखिएगा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत 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 मेजर था। जो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट था, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम, इनका सबसे बड़े जो कॉन्ट्रीब्यूटर थे वो ये ही थे। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए हैं। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने कोशिश की है कि गोल्ड से बनी फॉइल, गोल्ड फॉइल पे गिराएंगे, उन पे लेट देम फॉल दोस फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल। व्हाई गोल्ड फॉइल, उन्हें थिन से थिन फॉइल चाहिए थी, हार्डली गोल्ड फॉइल वॉज 1000 एटम्स थिक। और तो और जो ये अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या है, ये डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस है, वो ये ऐसे हीलियम आयंस है जिनपे 2 का चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आगे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, देखेंगे कैसे। एंड अगर मैं इन हीलियम आयंस के मास की बात करूं तो इनका मास जो होता है वो है 4U। तो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज, डबली मतलब 2 का चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है, हीलियम आयंस है ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज। एंड अगर ये फास्ट मूविंग है तो इनमें काफी ज्यादा एनर्जी होगी देन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो रदरफोर्ड सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि व्हेन आई मेक दीज अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग अल्फा रेज
फॉल ऑन दी गोल्ड फॉइल, तो जहां जहां सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे वहां से थोड़ी डिफ्लेक्शन होंगी, थोड़ी सी यू नो मूवमेंट होगी वहां से अवे फ्रॉम इट, बिकॉज अगर मैं बात कर रही हूँ ये पॉजिटिव है और अगर वो लेट्स से प्रोटॉन्स पे टच कर रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो एज अ रिजल्ट जो ये पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन से थोड़े से दूर चले जाएंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो बेसिकली वही वो चाहते थे, और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द रेज जो थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे सीधे निकल गए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम शो किया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए हैं, ये मेरी गोल्ड के एटम्स बनाए हैं मैंने जो सर्कुलर बनाए हैं, और ये मेरे पार्टिकल्स है, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, तो विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो मेरे अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए। मतलब अगर कोई चीज बिना किसी इधर उधर जाए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, मतलब बीच में कुछ नहीं है, एंड अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, मतलब एटम मोस्टली एम्प्टी था, एटम मोस्टली खाली स्पेस थी, अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, यही मतलब हुआ ना इसका। तो हम पहला रिजल्ट देखते हैं, फिर उसका कंक्लूजन देखेंगे क्या निकला। सो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सीधा निकल गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो थी इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। Why it's empty? Because सीधा सीधा कोई चीज निकल गई, मतलब अंदर खाली जगह है। So most of the space inside the atom is empty because alpha particles passed through gold foil without any deflection, बिना इधर उधर गए वो बिल्कुल सीधे चले गए। आगे चलते हैं, आगे मैं बोल रही हूँ कुछ, सिर्फ कुछ ऐसे alpha particles थे जो deflect हुए by small angles, deflect मतलब सीधा जाते 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 किसी और एंगल पे, किसी छोटे से एंगल पे उन्होंने टर्न ले लिया, मुड़ गए। अब बेसिकली अगर ये अल्फा पार्टिकल्स जो है मेरे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और अगर मेरे प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस भी जो है मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो मतलब अगर वो मेरे प्रोटॉन्स के पास जाकर वो मतलब मुड़ गए हैं, बेसिकली कहीं दूर चले गए हैं, मतलब वहां पे ही है मेरा न्यूक्लियस या वहां पे ही है मेरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। तो जहां से वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे वहीं पे था मेरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। और इससे हमें क्या पता चला, सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग कि जो सिर्फ कुछ ही हुए थे ना, सारे तो नहीं, तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम है, तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम है वो काफी कम जगह ले रहा है, इट इज ऑक्यूपाइंग वेरी लिटिल स्पेस। देखो अगर ज्यादा मेरी रेज, सॉरी ज्यादा मेरे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए होते, तो मतलब बहुत सारा ह्यूज स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उन पॉजिटिव पार्टिकल्स ने, लेकिन जब सिर्फ कुछ ही रेज मेरी डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो बाबा बहुत छोटी सी स्पेस ली होगी ना उसने, तो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज जो था वो बहुत कम स्पेस में एक्यूमुलेटेड था, बहुत कम स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था। और हर 12,000 में से, हर 12,000 में से सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल था जो एब्सोल्युटली रीबाउंड हो गया। रीबाउंड मतलब होता है बिल्कुल ही यू टर्न ले लेना, बिल्कुल ही वापस मुड़ जाना, तो 12,000 में से एक बिल्कुल वापस मुड़ गया। एंड इसका इंडिकेशन सिर्फ ये है कि न्यूक्लियस इज दैट मच डेंस, दैट मच हार्ड, कि एक जो थी वो एटलीस्ट टकरा के बिल्कुल सेंटर से वापस जा रही थी, तो ये इसका इंडिकेशन हो गया। और तो और सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे विच वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, जो डिफ्लेक्ट हुए बाय 180 डिग्री। इसका भी इंडिकेशन यही है कि जो पॉजिटिव चार्ज है या जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड था, तो बहुत ही छोटी सी जगह पे, बहुत ही छोटी सी जगह पे वो कॉन्सेंट्रेटेड था, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। और यही उन्होंने अपने मॉडल में आगे पुट फॉरवर्ड भी किया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर
रहा, पहली बात तो वो बहुत डेंस और हार्ड है तभी वो रे रिबाउंड हुई, और प्लस बहुत ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, बहुत कम स्पेस में वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्या फीचर्स दिए हैं न्यूक्लियर मॉडल में बाय रदरफोर्ड ने? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया है, एंड सारा का सारा मास वहीं पे रिसाइड हो रहा है। बिकॉज अगर मैं न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी का एरिया अगर देखूं तो वहां से तो पार्टिकल्स जो मेरे थे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल ही स्ट्रेट चले गए। तो मतलब सारा का सारा मास सिर्फ न्यूक्लियस में ही है बिकॉज वहीं पे डिफ्लेक्शन या रिबाउंड हो रहा था। और दूसरा उन्होंने ये बोला अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है भी वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं और उनका मास बहुत नेग्लिजिबल है बिकॉज वहां से कोई भी डिफ्लेक्शन कोई भी रिबाउंड कुछ भी नहीं हुआ, वहां पे वहां से कोई भी हरकत हमें नहीं दिखी, तो उनका मास नेग्लिजिबल है और वो सर्कुलर पाथ्स में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और उन्होंने ये बोला सिंस जो डिफ्लेक्शन हुए बहुत छोटे एंगल से हुए और कुछ कुछ 180 डिग्री से हुए, तो उन्होंने बोला जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस का जो साइज है यार वो इतना छोटा था एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। इन्होंने इतना अच्छा जो मॉडल क्रिएट किया इसके भी ड्रॉबैक से किसी ने इसमें भी कमी निकाली, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर कोई भी सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो मतलब वो एक्सेलरेशन में, सिंपल सी बात है, मोशन में मैंने आपको समझाया था देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन इन सर्कुलर पाथ। जब आप सर्कुलर मोशन पे होते हो तो देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन एट ईच पॉइंट, उसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि सिंस ये हुआ तो एज अ रिजल्ट उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ गया। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के हिसाब से हम ये बोलते हैं कि अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा। अगर वो पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे पार्टिकल की जगह इलेक्ट्रॉन रख लूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेशन आ गई जी, एक्सेलरेशन आ गई तो क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो एज अ रिजल्ट उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम है लेकिन बीच में देयर इज अ न्यूक्लियस, एटम के बीच में देयर इज अ न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत स्ट्रॉन्गली चार्ज है, तो वो कम एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज ऑपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हो गया ढीला बिल्कुल लेस एनर्जी वाला, धीरे धीरे चल रहा है तो न्यूक्लियस ने खींचा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर स्पाइरल बना बना के गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ ऐसे ऐसे घूम घूम कर आ गया बिल्कुल सेंटर में गिर गया एंड वुड फॉल इन टू द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरा तो एटम हो गया अनस्टेबल, फिर तो यार कोई मैटर जो हम देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में फिर तो हम एग्जिस्ट ही ना करते अगर ऐसा होना होता तो जी। अगर ये सच्चाई होती कि एटम इतना अनस्टेबल है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया, फिर तो एटम जो है हाँ बहुत अनस्टेबल होता एंड ये मैटर जो हमें दिख रहा है वो ना दिखता, पर ये सच्चाई नहीं है, असली में एटम बहुत स्टेबल है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं ये तो बताओ, तो ये आगे बताया नील्स बोर ने जिसका मॉडल हमें और एक्सप्लेनेशन देगा। तो अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जो स्टेबिलिटी की थी एटम की, और किसने की प्रॉब्लम सॉल्व, ये की हमारे नील्स बोर ने, और उन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया और उन्होंने क्या बोला, ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करेंगे न्यूक्लियस के आसपास लेकिन ऐसे ही सिर्फ सर्कल में नहीं, प्रॉपर ऑर्बिट होगी जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाएगा, उसको एनर्जी लेवल या शेल्स का नाम भी दिया गया है, एंड हर एक लेवल की अपनी एनर्जी होगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड होंगे जो हर एनर्जी लेवल अकोमोडेट कर सकता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स उसी में मूव करेंगे, जो शेल न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसमें सबसे कम एनर्जी होगी और जो शेल जितना दूर चलता जाएगा उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। तो एक बार जल्दी से रीड करते हैं और उनको कैसे नेम किया जाएगा, अल्फाबेटिकली कर सकते हो, के एल एम एन के शेल,
एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन, या ऐसे कर सकते हो नंबर वाइज एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. जल्दी से रीड करते हैं इन्होंने क्या मॉडल दिया एटम के स्ट्रक्चर का. इन्होंने बोला ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम एंड व्हाइल रिवॉल्विंग. हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करते हैं, एनर्जी लूज करेंगे धीरे हो जाएंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे स्पाइरल होकर, जैसे कि हमने देखा. लेकिन इन्होंने बोला कि अपने फिक्स और स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करते, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है गिवन वो अपना लेवल चेंज ना करें, अपने ही एनर्जी लेवल में चलते रहे. और यहाँ हो गई हमारी प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म, बिकॉज एनर्जी लूज ही नहीं होगी तो वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी. सो व्हाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी एंड दीज ऑर्बिट्स और शेल्स एज आई टोल्ड यू दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स या शेल्स. और कैसे नेमिंग करते हैं, जैसे अभी बताया KLMN letters use करके and so on, या numbers use कर सकते हो n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. ये n energy level index है. तो basically अब मैं अगर किसी भी atom या element के electrons को arrange करना चाहती हूँ shells में तो क्या करना होगा, कुछ rules follow करने होंगे, एक example करके दिखाऊंगी. आइए कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो दिए हैं बोर एंड बरी ने, जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेरियस शेल्स में, वेरियस ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स में कह सकते हैं. बहुत सारे रूल्स हैं, आइए फर्स्ट से शुरू करते हैं. पहला कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में आप डाल सकते हो, जो एक शेल में हो सकते हैं अकोमोडेट, वो आएंगे बाय द फॉर्मूला 2n², जहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट की, कौन सी नंबर की वो ऑर्बिट है या कौन सा एनर्जी लेवल इंडेक्स उसका है. तो n आप सिंपली बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट किया है जो बोर ने दिया, ये सेंटर में न्यूक्लियस है. तो सबसे पहला शेल है हमारा K, मिनिमम एनर्जी इसमें होती है K के बाद, उसके बाद आ गया हमारा L, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए था हमारा 1. तो सबसे पहला आ गया K, फिर L, फिर M, फिर N शेल. तो K को मैंने 1 नेम दिया, जैसे नंबर 1 डाला है, तो L हो गया 2, नेक्स्ट NM हो गया 3, N हो गया 4, KLMN, ऐसे करके मैंने 1, 2, 3, 4 दे दिया. तो ये जो N है वही N आएगा मेरे इस फॉर्मूले में, which is 2n² इस 2n² को यूज करके मैं ये निकालूंगी कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में एट ए गिवन टाइम आ सकते हैं. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जो कि मेरी K है, सबसे नजदीक जो है न्यूक्लियस की, फॉर्मूला है 2n², तो 2 × n², n मेरा 1 है बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट है ये 1 square, तो 2 × 1² 2 × 1 ही हो गया, आ गया 2. तो पहले शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मैं नहीं डाल सकती. आगे चलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में जो की है मेरी L शेल, सेकेंड नंबर की ऑर्बिट है, तो n हो गया मेरा 2, तो 2n² में डाले तो 2 × 2² 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ गया 8. मैं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस वाले शेल में नहीं डाल सकती. आगे चलते हैं थर्ड ऑर्बिट में, तीसरे नंबर की ऑर्बिट है m, तीसरे नंबर की ऑर्बिट है, तो n हो गया मेरा 2, जो यहाँ पे फॉर्मूला में मेरा जो n है वो हो गया 2, तो 2 × 3² 3 × 3 = 9 2 = 18 शेल्स, 18 मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं थर्ड शेल में. फोर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में n की जगह आ जाएगा 4, 2 × 4² क्या आ गया 2 × 4² 4 × 4 = 16 2 = 32 तो एंड सो ऑन ये चलता जाएगा. तो मैं ये बता रही हूँ अगर के शेल में मैं बात करूंगी तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, अगले शेल में सेकेंड शेल में विच इज एल में बात करूं तो 8 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, उसके नेक्स्ट शेल में 18 से ज्यादा नहीं आने चाहिए और उसके नेक्स्ट शेल में 32 से ज्यादा मेरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए. एंड सो ऑन इट गोज ऑन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर आपको ये समझ में आ गया, हम चलते हैं अपने सेकेंड रूल पर जो कह रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो सबसे आखिरी शेल जिसको हम फिल करेंगे, उसमें 8
से ज्यादा नहीं आ सकते. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. सबसे बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए. अगर 8 से ज्यादा है तो उसे अगले इलेक्ट्रॉन्स में, अगले शेल में आप डाल दीजिए. तो उसके बाद वो बोल रहे हैं, इसके आफ्टर दैट द थर्ड वन इज, जब तक आप पुराने शेल्स फिल नहीं करोगे, जब तक के फिल नहीं होगा तब तक एल में आप इलेक्ट्रॉन नहीं डालोगे, जब तक एल फिल नहीं होगा तब तक एम में नहीं डालोगे. तो आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं डालोगे जब तक पुराने जो शेल्स हैं मेरे वो भर नहीं जाते. तो आइए तीन रूल्स को यूज करके हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं सोडियम का. मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सोडियम में वो 11 है. लेट्स से ये न्यूक्लियस है, लेट्स से बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, ये रहा मेरा के शेल. तो अगर मैं बोलूं के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये है 2, तो 2 ही डाल सकती हूं. 11 में से 2 आ गए यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, बीच में मेरा न्यूक्लियस है ना. अब उसके बाद 11 में से 2 गए, बच गए 9. अब 9 के 9 मैं अगले शेल में नहीं डाल सकती, बिकॉज अगले शेल की बाउंडेशन है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 ही आ सकते हैं. तो आउट ऑफ 9 जो बच गए, 2 तो यहां लगा दिए, 11 में से 9 बच गए. अब उस 9 में से अगले शेल में विच इज सेकेंड ऑर्बिट, उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 आ सकते हैं, अभी प्रूफ किया मैंने. तो अगर 8 आ सकते हैं तो आइए 8 बना देते हैं इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ये आ गए मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब 2 फर्स्ट शेल में हो गए, 8 नेक्स्ट शेल में हो गए, 1 बच गया 11 में से, वो आ गया बाहर के शेल में. आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है. अगर और एक इलेक्ट्रॉन होता तो और यहाँ साइड पे लगा देते, ये तो आप कर लेंगे अब आसानी से. बड़ा बहुत ही प्यारा बना हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर. एंड अब मुझे लिखनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैंने कौन से शेल्स फिल किए देखा जाए तो सबसे पहले था के, फिर एल, फिर एम. ठीक है, पहले के शेल किया, फिर एल किया, फिर एम, तीन शेल्स फिल किए, के एल एम. पहले शेल में डाले मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में डाले 8, तीसरे में आया सिर्फ बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन. और डालती अगर और इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास होते तो किसी भी एलिमेंट के. सो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि 2, 8, 1 जो था वो हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का, और यहाँ पे है वो सोडियम का. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है. जरूरी नहीं है बार बार के एल एम शेल्स लिखने जरूरी है, नहीं है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम शेल्स के जो नाम है वो लिख देते हैं. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आ गई है तो अगला टॉपिक हमारा होगा वैलेंसी, जो मैं कराऊंगी आपको डेफिनेटली, बट नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही करेंगे. थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. समझ आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस, एंड डू राइट योर कमेंट्स कि आपको क्या क्या अभी तक डाउट आया, बिकॉज वी हैव कवर्ड 60 to 70% ऑफ द चैप्टर इन 1 go.